ये भी भालू, ये जो साइज जानवर होता ना पोर्क्यूपाइन, ये उसने किया हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग सर्चिंग फॉर पीस। तो अभी शाम हो चुकी है, शाम के 5 बज चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी बादल छाए हुए हैं, हो सकता है कल बारिश भी हो जाए। तो अभी हम जा रहे हैं आंवला लाने, आंवला तो आपको पता ही होगा, तो वो बहुत ही लाभकारी होता है। मेरे घर से थोड़ी दूर में ही जंगल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर आंवला के पेड़ है, काफ़ी बड़े बड़े आंवले होते हैं वहाँ पर। वैसे आंवला के पेड़ तुम्हारी ज़मीन में भी है बट उनमें काफ़ी छोटे छोटे आंवले होते हैं और उनका अचार उतना टेस्टी नहीं होता, और जो बड़े आंवले होते हैं उनका अचार काफ़ी टेस्टी होता है। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल में और आपको दिखाते हैं अपना जंगल कैसा है। काफ़ी झाड़ी हो चुकी है वहाँ पर, तो मेरे साथ मेरा भाई भी जा रहा है क्योंकि अकेले तो मैं नहीं जाने वाला, भालू का खतरा भी होता है। तो चलिए चलते हैं। तो ये यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, बट है ये टमाटर और इनकी चटनी काफ़ी टेस्टी होती है, ये देख सकते हैं आप। और खाने में कैसे होता है, खट्टा खट्टा जैसे, खट्टा और मीठा। तो इसको क्या बोलते हैं, हम तो इसे अपनी भाषा में बोलते हैं द्राट, बट हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मे भी द्राट ही बोलते हो या कुछ और बोलते हो। बट आज मैं सारी झाड़ियाँ काट डालूँगा, सफाई कर दूँगा। तो ये आंवला का पेड़ हमारी ज़मीन में है और इसमें छोटे छोटे आंवले होते हैं, बट सारे आंवले झड़ चुके हैं, कहीं इक्का दुक्का दिख रहे हैं, बट इसको देख के लगता है कि जो जंगल में आंवले होंगे हमें शायद नहीं मिलेंगे, पर जाना तो बनता है क्योंकि देखने पड़ेंगे, मे भी वहाँ पर हो या ना हो, बट ये तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। चलिए चलते हैं। ये जो साइज जानवर होता ना पोर्क्यूपाइन, ये उसने किया हुआ है, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है। ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये जो प्लेन की हुई है, ये भालू का कमाल है। ये वाली जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर आप इसको जला भी दो ना तो फिर से हो जाती है। इसीलिए ये आप सारा जंगल देख रहे हो ना, इन सभी जंगल में ये काफ़ी झाड़ियाँ भर चुकी है, पहले नहीं थी, अब तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि क्या बताएं, क्योंकि यहाँ पर आग लगती रहती है और जितनी आग लगती है उससे ज़्यादा ही झाड़ियाँ दोबारा उग जाती है। ये भी भालू, इसीलिए जंगल में जाना इतना खतरनाक हो जाता है, और शाम के टाइम तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सनसेट भी होने वाला है और आधे घंटे में शायद सनसेट भी हो जाएगा, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई यहाँ पर, काटनी पड़ेंगी। अभी थोड़ी देर पहले ना इस साइड झाड़ी में आवाज़ भी आ रही थी, हो सकता है कोई पंछी हो, बट आवाज़ आ रही थी। ये देख रहे हो आप, ये लेपर्ड की पोटी है, यहाँ बैठ के वो आराम से खाता भी होगा और करता भी होगा। ये शायद जंगली मुर्गों ने किया होगा मेरे हिसाब से। तो
ये देखो झाड़ियों का क्या हाल किया हुआ है। अभी तो मेरे हिसाब से भालू ऊपर की तरफ चले गए होंगे, पहाड़ों की तरफ। अदरवाइज हमें अगर एक दो मंथ पहले आते तो हमें पक्का यहाँ पर भालू मिलता, क्योंकि जो हाल यहाँ पे जंगल का किया हुआ है उसी हिसाब से तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भालू होंगे। तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, जो हमारा डाउट था वो सही निकला। इस पेड़ में भी आंवले नहीं बचे। हम ये सोच कर आए थे कि यहाँ पर आंवले होंगे, क्योंकि हमारे ज़मीन में जो पेड़ लगे हुए हैं उन पर थोड़े थोड़े आंवले बचे हुए हैं। हमने सोचा यहाँ पर भी होंगे, पर यहाँ पर तो बिल्कुल ही साफ़ हो चुके हैं। शायद हम लेट हो गए क्योंकि आंवलों का सीजन शायद ख़त्म हो गया, बट कोई नहीं, थोड़ा एडवेंचर हो गया। आपने देखा ही होगा हम कैसे झाड़ी सूख कर आए, और भालू का डर लग रहा था और लेपर्ड का भी, पर चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पर जो मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ऐसे ही प्यार देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।